नमस्ते। एक बार फिर मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, और इसलिए आई हूँ क्योंकि सर के पास बहुत मैसेज आए, और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना याद किया जब मैं यहाँ नहीं थी, तो इसलिए वापस आना पड़ा आप लोगों के लिए। पहले तो ये बताइए, पेपर कैसा हुआ? क्योंकि बहुत टफ था। चलो, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आखिर तो आगे बढ़ना ही है। जिनका अच्छा हुआ है, जिनको उम्मीद है, वो और अच्छे के लिए तैयारी करें, और जिनको ऐसा लग रहा है कि हम या तो रह सकते हैं या हम बीच में अटक सकते हैं, वो भी फिर से लगे। देखो, थकना नहीं है, और जब तक आपको अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, आपको बिल्कुल नहीं थकना है। और जो भी मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए अपनी तरफ से, वो मैं करने के लिए हाजिर हूँ सर के इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो जिसका अच्छा हुआ है उसको बहुत बहुत बधाई, उम्मीद उसकी बड़ी है। पर फिर भी मेरी यही सलाह है कि आगे वाला पूरा आने वाला जो साल है वो सारा का सारा वैकेंसीज का है, तो वो और अच्छे के लिए तैयारी करे। और जिनका नहीं अच्छा हुआ है या कुछ कमियां रह गई है, वो मेरे साथ मिलकर हम इस पर पूरा काम करेंगे अच्छे से, ताकि अगली बार आप वो खुशी देख सकें, उस खुशी को आप महसूस कर सकें, आप अपने आप को इतना सक्षम मान सकें उस वक्त। देखो, परीक्षा पास करने से कॉन्फिडेंस आता है, और कुछ नहीं आता। वो है कि हाँ, हर महीने जो सैलरी आती है ना, वो एक कॉन्फिडेंस है। तो वो जो कॉन्फिडेंस को अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे, वैसे वैसे वो कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो इसीलिए मैं वापस आई हूँ, और बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी कि हम क्या करेंगे। हाँ, ये भी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से कैसे पढ़ाने वाली हूँ, निःशुल्क पढ़ाने वाली हूँ। देखो, जिन लोगों के पास लक्ष्मी की कृपा है, वो तो उनके लिए तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनके अगर थोड़ी भी कुछ कुछ जगहों पे तकलीफ़ है, और अगर मैं उनकी मदद करने के लिए या सर उनकी मदद, हम दोनों मिलकर वो जो भी उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदल दे, एक अच्छे लेवल पर ले जाए, उसके हिसाब से हम शुरू करेंगे। पूरा का पूरा राजस्थान का जी के हम क्लियर करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट राजस्थान पढ़ेंगे पहले। और ऐसा नहीं जैसा आप देखते हो कि अरे 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। हम थोड़ा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो एग्जामिनर पूछता है, अलग तरीके से पढ़ेंगे। आप एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस लेने वाले हो जो शायद आज तक आपने कभी कहीं नहीं लिया है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि अभी तक तो मैं सिर्फ 40 दिनों तक सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आई थी। अब जिस फॉर्मेट पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपका उत्साह, आपका प्यार देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। तो हम भूगोल भी पढ़ेंगे राजस्थान की, हम राजस्थान की राजनीति, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जो कुछ भी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से लेकर आरएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, आरएस का प्रिलिम्स और मेंस, एसआई की वैकेंसी आने वाली है, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, इन सब के हिसाब से जितना भी राजस्थान है वो पहले पूरा कर लेंगे। ठीक बात। और दूसरा कि पहले क्या पढ़ेंगे? पहले राजस्थान पढ़ेंगे, पहले इंडिया पढ़ेंगे, राजस्थान में भी पहले क्या पढ़ेंगे? तो डेफिनेटली पहले तो हम, पता है क्या पढ़ेंगे? पहले तो अपन राजस्थान पढ़ेंगे। देखो, दो तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। एक होती है मल्टी हिट की, एक होती है मल्टी हिट की, और एक होती है सिंगल हिट की, है ना? ये देखो टारगेट है, बीच में कोई भी एग्जाम लिख दो गवर्नमेंट, और ये बाहर उसका सिलेबस है। बाहर उसका क्या है? सिलेबस। मल्टी हिट में बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाए जाते हैं, और हर एक पर हिट किया जाता है। लेकिन मल्टी हिट का प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत सारे फ्रंट, बहुत सारे सिलेबस के टॉपिक, बहुत सारे सिलेबस के फ्रंट एक साथ खोलते हो, तो फिर आप क्या हो जाते हो? इरिटेट, परेशान, इरिटेट, परेशान हो जाते हो। दूसरा, कोई भी एक हिस्सा पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाता। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम है इसलिए हम मल्टी हिट पर नहीं जाएंगे। किस पर नहीं जाएंगे? मल्टी हिट पर नहीं जाएंगे, हम चलेंगे सिंगल हिट से। सिंगल हिट का मतलब है, ये हमारा नहीं दिख रहा है क्या? इरेज कर देती हूँ। सिंगल हिट का मतलब है कि ये हमारा टारगेट है, और इसके अंदर हमने पहले एक चीज़ फिक्स कर ली है, सीधा उस चीज, पूरी चीज़ को 360 डिग्री के एंगल पर पहले समझेंगे, फिर एक साथ उसी वक्त याद भी करेंगे, और फिर हर वीक, हर सप्ताह हम क्या ले लेंगे? टेस्ट ले लेंगे। तो पहला तरी पहली बात,
कि हम सिंगल हिट वाली स्ट्रैटेजी से चलेंगे। अगर आपने कभी इंडियन आर्मी के लड़ने का तरीका देखा हो तो आपको समझ में आएगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी इंडियन आर्मी है, और वो मल्टी टारगेट पर काम नहीं करती है, वो सिंगल टारगेट लेकर काम करती है। अलग अलग टीमों को अलग अलग टारगेट पर, सिंगल सिंगल टारगेट पर भेजती है, और ब्लास्ट में चाहे सामने चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, जीत करा जाती है कम संसाधनों में। हाँ, कम हथियार होते हुए भी जीत के आ जाती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तो स्ट्रैटेजी वाइज समझ में आया कि हम सबसे पहले राजस्थान पड़ेंगे, तो सिंगल हिट के चलते पहले राजस्थान को कवर किया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी मुझे बहुत ज़रूरी है कि हम पहले क्या पढ़ेंगे राजस्थान में भी। अब देखो, एक परिपाटी चलती है राजस्थान में, वो परिपाटी क्या है, पहले बच्चा उठाता है भूगोल, है ना, और टीचर भी पहले क्या उठाता है, भूगोल, फिर भूगोल करके इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति के बाद कहाँ पहुँचता है, अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक्स पर पहुँचता है। भूगोल पढ़ता है बड़े तन मन धन से एकदम, इतिहास और संस्कृति भी पढ़ लेता है, इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, अर्थव्यवस्था तक पहुँचते पहुँचते थक जाता है, और राजनीति तक तो पहुँच के मर ही जाता है, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और इसके साथ किसको, इसके बाद जब जब वैकेंसी आती है, वैकेंसी आती है, तब वो देखना शुरू करता है 1 महीने का एक साथ करंट, है ना, करंट देखता है, तो वो बचता ही नहीं है, एकदम शहीद होने की स्थिति पे आ जाता है। किस स्थिति पे आ जाता है, शहीद। आप कभी गौर करें हो कि आपके सिलेक्शन में कौन से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मार है, भूगोल इतिहास और संस्कृति से आपको कभी मार पड़ती नहीं है, आपको मार पड़ती है अर्थव्यवस्था से, आपको मार पड़ती है राजनीति से, आपको मार पड़ती है करंट से। सेकेंड ग्रेड में भी देख लो यही हुआ है ना, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप पहले से हिस्से को उठाओगे और तन मन धन से उसको पक्का कर लोगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी भी है। इन चीज़ों को आप बाद में उठाओगे, तब तक वैकेंसी ऑन बोर्ड होगी, करंट का आपको दुनिया भर का टेंशन होगा, और उस टेंशन में ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में क्या बन जाएंगे, बाधक। तो अब स्ट्रैटेजी बदलेंगे, स्ट्रैटेजी बदल कर सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान की राजनीति। तो मतलब जो भी क्लासेस ऑन एयर होगी, जल्दी मैं आपको मिलूंगी, आज बता दूंगी कि कब मिलूंगी, तो जब भी मैं आपसे मिलूंगी तब हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, राजस्थान की राजनीति। राजस्थान की राजनीति में भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, चाहे वो एपी का हो, सिलेबस भी डिज़ाइन कर लिया गया है, उसके मॉड्यूल्स भी डिज़ाइन कर लिए गए हैं, क्लासेस भी डिज़ाइन कर ली गई है। मुझे नहीं पता मैं कितनी क्लासेस में पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि देखो, एक होता है टीचर, और एक होता है दिल से टीचर, ठीक है, दिमाग से टीचर। तो मैं दिल दिमाग वाली टीचर हूँ, तो मुझे अभी परफेक्ट पता नहीं है कि मेरी कितनी क्लासेस होंगी, पर मैं ये वादा कर सकती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगी। ये संख्या 200 की भी हो सकती है, ये संख्या 250+ की भी हो सकती है, पर ये कारवा जो आप लोगों ने बड़े प्यार से मेरे साथ शुरू किया है, वो लंबा चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक हर उस बच्चे को जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, मेरे माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं मिल जाता, तब तक मैं नहीं रुकूंगी। मैं 40 दिन भी नहीं रुकी थी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मानसून आए, तबीयत खराब हो, मैं नहीं रुकी थी। मैं जब एक बार शुरू करूंगी, मैं तब भी नहीं रुकूंगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन जितनी भी होगी मैं आपको पूरा कवर कराऊंगी। डन, पहले हम शुरू करेंगे राजनीति अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस भगवान होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहले राजनीति शुरू करेंगे। जब ऑन ईयर होगी तब आपके लिए सरप्राइज होगा कि पहले क्या पढ़ाने वाली हूँ। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, वो कॉन्सेप्ट प्लस लर्निंग, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, फिर आपको हाथों हाथ क्लास में याद कराया जाएगा, प्लस आपका क्या लिया जाएगा उसी टॉपिक मॉड्यूल पर, हर वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, हर वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, जो एग्जामिनर क्या कर सकता है, पूछ सकता है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं। अब दिशा आप बहुत पढ़ चुके हो, सारे क्वेश्चन कर चुके हो, उसके वो रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होता। एक अप्लाइड थ्योरी के तहत मेरे खुद के द्वारा बनाया गया मटेरियल जो एकदम अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए क्वेश्चन जो बहुत रिसर्च पर आधारित है, किसकी, एग्जामिनर की। देखो, अभी भी मैं पेपर रोज़ देखती हूँ, भले ही मुझे अभी क्लासेस हैं तो रोज़ देखना ही पड़ता है। पेपर देखने से पता चलता है कि आपको मटेरियल क्या चूज़ करना है, आपको पढ़ना क्या है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, प्लस इस बार एक शर्त और है। शर्त यह है कि जिस दिन से भी मेरी क्लास ऑन एयर होगी, उसका टाइम वही रहेगा 3 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है। लेकिन ये 3 से 4 1 घंटा ही एनडीसी प्लेटफॉर्म पर रहेगी,
निशुल्क आपको लाइव देखनी होगी, बिल्कुल ऑफलाइन मोड की तरह। मैं आपको नोट्स भी लिखाऊंगी, इधर से मैं इधर से डिक्टेट करूंगी, आप उधर देख रहे होंगे और आप लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि आप लोग लिखेंगे, क्योंकि 40 दिनों में जो बच्चे इतना पढ़ सकते हैं, मैंने कोई बकवास नहीं की, बस पढ़ाया बहुत मस्त तरीके से, और आपने भी कोई बकवास नहीं की, बहुत मस्त तरीके से पढ़ा। तो इधर से 3 से 4 जब क्लास लाइव चलेगी, मैं आपको हर इस प्लेटफॉर्म पर आपको नोट्स लिखवाऊंगी और समझाऊंगी भी। इसके बाद ये पूरी की पूरी क्लास हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर चली जाएगी, यूट्यूब से हटके कहाँ चली जाएगी, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर चली जाएगी। इस क्लास की पीपीटी इस बार आपको टेलीग्राम पर नहीं देखने को मिलेगी, कहाँ मिलेगी, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को, ठीक है। तो जो लोग लाइव देख सकते हैं तो वो लाइव देखेंगे 3 से 4 PM पर, और जो लोग लाइव नहीं देख सकते वो फिर कहाँ जाइए, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाइए। तो ये शर्त थी मेरी, क्योंकि देखो मैं ऐसा कहती हूँ, जैसे कहते हैं ना कि जो योग्य व्यक्ति है या जिसको चाह है कि हमें पढ़ना है, हमें लगना है, इस बार हमें तोड़ देना है कि हम हर बार ये फेलियर का भार नहीं उठा सकते, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें खुद को प्रूव करना है, खुद के लिए हमें पढ़ना है। तो उन लोगों के लिए ये उन लोगों के लिए ये टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो वो बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो 3 से 4 आप ऐसे ही समझिए कि 3 से 4 आपका क्लास का टाइम है, जब मैं आपसे मिलूंगी और आपको सब चीज़ पढ़ाऊंगी और याद कराऊंगी। तो ये सूचना आपको मिल गई, अब चलते हैं आगे। कभी बहुत बड़ी रामायण चल रखी है और वो ये है, देखो ये अधिसूचना कल जारी हो जाएगी 7/8/2023 से। ये नए संभाग है और उनमें जिलों का वितरण है। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि नए जिलों से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, स्टेट से कितना बदलाव होगा, क्या होगा, तो एक मिनट के लिए ठहरो। बदलाव होते हैं ना, तो बदलाव जब भी होते हैं तो एकदम से कुछ नहीं होता। देखो क्वेश्चन तो आएगा, ये ध्यान रखना, क्या आएगा, क्वेश्चन तो आएगा, स्टेट से भी आएगा, स्टैटिक पोर्शन से भी आएगा और करंट से भी आएगा, जो ये करंट में बने। अब आप कहोगे कि मैम स्टैटिक से कैसे आएगा, आप देखो पंचपदरा को देखो, कहाँ है यहाँ पे, बालोतरा में पंचपदरा है, बालोतरा जिला बना ना अभी नया, हाँ ये रहा, इस बार पंचपदरा तहसील को बालोतरा में ऐड कर दिया गया है। पंचपदरा रिफाइनरी सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट, पहले पंचपदरा बाड़मेर याद रखना पड़ता था, अब स्टेट में आपको सीधा पूछेंगे कि निम्नलिखित में से पंचपदरा रिफाइनरी कौन से जिले में, बालोतरा और बाड़मेर दो ऑप्शन दिए हुए होंगे, बालोतरा सही हो जाएगा। इसके लिए कौन सा बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत हो गई, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि बहुत सिंपल स्टैट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत करंट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे इस पूरे पूरे फॉर्मेट पर पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरी, कितना बदलेगा, क्या बदलेगा, तो देखो अभी कम से कम वन एंड हाफ, एक महीना लगेगा जब तक पूरा का पूरा चीज तैयार होगा। सबसे ज्यादा जो बदलेगी ना वो जनसंख्या का टॉपिक बदलेगा सबसे ज्यादा, बाकी इतना बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा जो बदलेगी वो क्या बदलेगी, जनसंख्या का टॉपिक बदलेगा सबसे ज्यादा, बाकी बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव वो इतना जितना जनसंख्या में होगा उतना नहीं दिखता। तो इस बदलाव के अकॉर्डिंग भूगोल हम बाद में उठाएंगे, अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भूगोल, और अगर आप पहले से भी पढ़ रखे हो तो भी इतना कोई उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी कि इससे पैनिक होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टैट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल आपको सेट करके बता दिया, करंट से तो ये पूछा ही जाएगा, फिर जो सबसे बड़ा बदलाव होना है वो किस में होना है, जनसंख्या में होना है। तो इसीलिए भूगोल को बाद में उठा रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें आप कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीति जो सबसे टफ है, फिर अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, फिर अपन पढ़ेंगे भूगोल। अब बात आती है हिस्ट्री और कल्चर की। देखो हिस्ट्री और कल्चर राजस्थान के हर बच्चे के रग रग में बसा है, तो इसको मैं थ्योरिकल नहीं पढ़ाऊंगी, पहली चीज़। इसकी मैं आपको हर एक की कॉन्सेप्ट बिल्ड कराकर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगी। किसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, एमसीक्यू की, क्यों, क्योंकि ट्रेंड बदलने वाला है इसका, हिस्ट्री एंड कल्चर का। ये बात मेरी आज भले ही आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, ट्रेंड बदलेगा, यानी कि आप जब भी अब एग्जाम दोगे 2023 चॉइस के अंदर, ये ट्रेंड पूरा बदल जाएगा, और इस बदले हुए ट्रेंड के अनुसार मैं आपको क्या कराऊंगी, एमसीक्यू कराऊंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बार राजस्थान पूरा होने के बाद हम किस पर चलेंगे, इंडिया पे चलेंगे, ठीक है। और इंडिया में भी पहले क्या पढ़ेंगे, इंडिया का पॉलिटी, इंडिया का इकोनॉमिक्स और इंडिया का भूगोल।
भूगोल, और वहाँ पे भी हिस्ट्री और कल्चर पे भी यही पैटर्न अपनाएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट समझ के सिर्फ क्या सॉल्व करना होगा, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, क्योंकि एग्जाम की नीड वही है, उसी के अकॉर्डिंग। दूसरी बात आती है करंट की। तो देखो, करंट अभी भी पूछा है तो सरकार ने अपने पब्लिकेशन से पूछा, बाजार से कोई मटेरियल आने की खरीदने की जितनी भी वो थी ना, वो सब खत्म कर दी। अपनी खुद की करंट अफेयर्स की बुक सूजस में से सारा करंट अफेयर्स छाप दिया, अपने खुद के न्यूज़पेपर सूजस ई बुलेटिन से सब कुछ छाप दिया, बाजार में बैठे मटेरियल को हाथ तक नहीं लगाया एग्जामिनर ने। तो ये हमारे लिए करंट के लिए हमारे पास ये जो मैटर है, इसी मैटर से हम आपको जल्द करंट भी प्रोवाइड कर देंगे। और देखो, करंट एक दिन में दो ही ऐसी न्यूज़ होती है जो क्वेश्चन उठाने वाली होती है। आप पढ़ लेते हो कई बार एक दिन में 10, और ये 10 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितनी होगी ये 300। तो आप अगर 300 क्वेश्चन अगर आप करंट के याद कर रहे हो तो फिर ये वर्थ इट नहीं है। मेमोरी, आपकी दिमाग की मेमोरी क्या हो जाएगी, इसी से पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, फिर ये अर्थव्यवस्था, भूगोल और राजनीति ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये इसको भी ठीक करें। एक दिन में मैक्सिमम कितनी होती है जो क्वेश्चन उठाने लायक होती है, दो, मैक्सिमम दो है, तो कितने याद करने की ज़रूरी है, 60। हाँ, ये अप्रोचेबल है। इसको क्या किया जा सकता है, अप्रोच किया जा सकता है। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी उतनी मैंने आपको बता दी। और 10 अगस्त, अब सुन लो गौर से, 10 अगस्त 2023 से मैं आपको वापस मिलूँगी। टाइमिंग होगा 3 से 4, ठीक है? वो रेगुलर टाइमिंग जब मैं पहले आती थी उसी टाइमिंग पे होगा। 9th ऑफ अगस्त को सर का बर्थडे है, तो आपको उस दिन कोई प्रोग्राम होगा तो वो देखने को मिलेगा, और सर का बर्थडे गिफ्ट है आपके लिए ये क्लास, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है? तो 10 अगस्त से मिलते हैं दोबारा से। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, हर बार कहना इसलिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन इस बार डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको PPT, टेस्ट और नोट्स सब कहाँ मिलेंगे, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे मिलेंगे। 1 घंटा क्लास लाइव चलेगी, उसके बाद क्लास क्या हो जाएगी, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाकर लोड हो जाएगी। तो अब जो भी आगे का रास्ता है वो आप मेरे साथ GK वाले सेक्शन का, जनरल नॉलेज वाले सेक्शन का मेरे साथ तय करेंगे, और जो शर्तें थी वो मैंने बता दी आपको। तो बहुत बहुत थैंक यू, बाय।